नमः शिवाय। आज के जन्मे जातक शाम तक आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होंगे। शाम के बाद मखा नक्षत्र हो जाएगा। यह दोनों ही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनकी शांति 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में करानी पड़ती है। ऐसे नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, तेजस्वी, स्वाभिमानी और गुस्सैल होते हैं। इनकी आँखों और वाणी में विशेष आकर्षण होता है। यह स्वाभिमानी और सामाजिक भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न और बुध और केतु की स्थिति अच्छी रही तो यह भविष्य में सफल होंगे। सुख भाव में राहु को होना सुख संबंधी हर मामलों में कमी करता है। पारिवारिक तनाव, संतान संबंधी चिंता और मन में अनावश्यक नकारात्मक विचारों का आना संभावित है। रोजगार संबंधी चिंता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सहयोग बना हुआ है। आज आपकी क्षमता प्रभावित रहेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। शाम तक समय अनुकूल हो जाएगा। मांगलिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल है। आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। काम करने में मन लगेगा। अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। किसी उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। व्यावसायिक लेन देन की बातचीत या सामाजिक तौर पर बातचीत में आपकी बातों से गलतफहमी पैदा होने का अंदेशा बना हुआ है, क्योंकि राहु आपके वाणी भाव पर ही बैठे हुए हैं, जिससे धन हानि की आशंका बनती है। मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें। कार्य क्षमता आपकी बनी हुई रहेगी। विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते रहें। सामाजिक दबाव और मानसिक उलझन का दौर चल रहा है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। संतान से सहयोग बना हुआ है। संतान संबंधी अनुकूलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव का दौर शाम के बाद अनुकूल हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज आपकी कार्य क्षमता में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। मन में नकारात्मक भाव पूरे दिन चलते रहेंगे। शाम के बाद कुछ अनुकूलता मिलेगी। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। वाद विवाद या न्यायालय संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहें। ओम घृणे सूर्याय नमः का मानसिक जप राहत देगा। आज शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। काम करने में मन लगेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। प्रयास सार्थक होगा। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। आज परिवार में खुशी का माहौल व्याप्त रहेगा। किसी समारोह में शरीक होने का मौका मिलेगा। आज अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे। सक्रियता पूरे दिन बनी रहेगी। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। संतान के प्रति शुभ समाचार मिल सकता है। मन में नकारात्मक भाव ना लाएं। आपकी कार्यशीलता प्रभावित हो सकती है। कार्य व्यवसाय के प्रति थोड़ी चिंता बनी रहेगी।
आज मन में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी, काम करने में मन लगेगा, पारिवारिक व सामाजिक पक्ष अनुकूल है, आत्मविश्वास बना हुआ रहेगा, संतान संबंधी निर्णय लेने में आसानी होगी, प्रयास सार्थक होंगे, आज का दिन आपके लिए अनुकूल महसूस होगा। मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, धार्मिक भावना बलवती रहेगी, प्रयास सार्थक होंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, आज देवदर्शन के योग बनते हैं, किसी समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, मन में अनावश्यक चिंता और हर काम के प्रति जल्दबाजी महसूस होगी, मन में नकारात्मक विचारों को न लाएं, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, हालांकि आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, सहयोग मिलता रहेगा, सकारात्मक प्रयास करते हुए अपनी ऊर्जा को मूर्त रूप में परिवर्तित करें, सफल रहेंगे, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, अच्छे कामों में धन खर्च की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, धार्मिक भावना बलवती रहेगी, राजकीय या न्यायालय से संबंधित कामों में सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल व्याप्त रहेगा, आज यात्रा का योग बनता है। दिन भर अपनी कार्य क्षमता पर संदेह बना रहेगा, मन में नकारात्मक भाव ना लाएं, इससे व्यावसायिक उन्नति बाधित हो सकती है, आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, शाम को समय अनुकूल हो जाएगा, पारिवारिक सुख संतुष्टि महसूस होगी, संतान के प्रति शुभ समाचार मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।